लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर संपत नेहरा के खिलाफ 7 साल पुराने एक मामले में आरोप तय हो गया है। पंजाब पुलिस भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपत को बठिंडा जेल से चंडीगढ़ जिला अदालत में पेश करने के लिए लाई। वह 3 अलग-अलग मामलों में अदालत के सामने पेश हुआ। जिला अदालत पहुंचने के दौरान संपत की पेशी जयबीर सिंह की कोर्ट में 7 साल पहले हुए एक मामले में हुई। दर्ज मामले के मुताबिक सेक्टर 10 में 2 छात्रों के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास आईपीसी धारा 308 के तहत केस दर्ज किया था। इस केस में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जयबीर सिंह की कोर्ट ने कुख्यात गैंगस्टर संपत नेहरा के खिलाफ चार्जेस फ्रेम कर दिए थे। अब नेहरा के खिलाफ 1 जुलाई से मुकदमा शुरू होगा। हालांकि इस केस में खरड़ निवासी मनप्रीत सिंह और हरप्रीत सिंह भी आरोपी थे, लेकिन कोर्ट ने इन्हें पहले ही बरी कर दिया था। नेहरा इस केस में भगोड़ा था, लेकिन उसे शुक्रवार को बठिंडा जेल से चंडीगढ़ कोर्ट में पेश किया गया। 28 जुलाई 2016 को सेक्टर 10 के म्यूजियम के सामने की पार्किंग में जसप्रीत सिंह और संदीप नाम के एक स्टूडेंट पर कुछ लड़कों ने तेजधार हथियार के साथ हमला किया था। हालांकि संदीप कोर्ट में गवाही के दौरान बयानों से मुकर गया था, जिस कारण 2 आरोपी बरी कर दिए गए थे। संपत नेहरा पर चंडीगढ़ कोर्ट में धमकाने और फिरौती मांगने के भी केस चल रहे हैं। इन केसों में शुक्रवार को जसप्रीत सिंह मिन्हास और मयंक मरवाहा की कोर्ट में पेश किया गया। संपत नेहरा पर चंडीगढ़ कोर्ट में धमकाने और फिरौती मांगने के भी केस चल रहे हैं। इन केसों में भी शुक्रवार को जसप्रीत सिंह मिन्हास और मयंक मरवाहा की कोर्ट में पेश किया गया। उसकी तरफ से एडवोकेट रमन सिहाग पेश हुए, जिन्होंने कहा कि नेहरा के खिलाफ झूठा केस दर्ज किया गया था। अलग अलग तीनों मामलों में संपत नेहरा की पेशी कराने के बाद पंजाब पुलिस वापस उसे बठिंडा ले गई। रमन जी, आज लॉरेंस गैंग के गुर्गे संपत नेहरा को जिला अदालत में पेश किया गया। 3 जजों के सामने उनकी पेशी हुई। क्या कुछ पूरा मामला था, किन मामलों में उनको पेश किया गया? देखिए सर, आज संपत नेहरा के 3 केस जिला अदालत में लगे हुए थे। जो पहला केस था वो जसप्रीत मिन्हास जज साहब की कोर्ट में लगा हुआ था, जो किसी को धमकाने का मामला था धारा 195 और 506 के तहत जो दर्ज किया था। इसमें आज 2 गवाह आए थे, दोनों की गवाही आज हमने करवा दी है। और जो दूसरा मामला था वो मयंक मरवाहा जज साहब की कोर्ट में लगा हुआ था, जो एक्सटॉर्शन का मामला था, जिसमें आज हमने डिस्चार्ज की एप्लीकेशन कोर्ट में दी है। अब अगली तारीख पर डिस्चार्ज की एप्लीकेशन पे हमारी कंसीडरेशन होगी, बहस होगी। और जो इसका तीसरा मामला था वो जयबीर जज साहब की कोर्ट में लगा हुआ था, ये धारा 308 आईपीसी के तहत दर्ज हुआ था, इसमें आज चार्जेस फ्रेम हुए हैं। तो ये आज तीनों मामले आज ये लगे हुए हैं। रमन जी, कौन से थाने के मामले थे बेसिकली जो एक्सटॉर्शन के थे या धमकाने के? ये चंडीगढ़ के तीनों ही जो मामले थे अलग अलग थानों के थे। एक जो मामला था वो पीएस नॉर्थ का था, सेक्टर 3 में है। एक जो मामला था वो सेक्टर 31 का था जी। और दूसरा जो मामला था वो भी शायद नॉर्थ का मामला था। ठीक, तो इनको अगली डेट मिल गई? जो 2 केसों में इनको तारीख मिली है वो 9 तारीख मिली है जून की, और जो सेशन जज कोर्ट का जो मामला है उसमें 1 तारीख मिली है जुलाई की। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।